गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर, एनसीईआरटी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, 4.2 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है द एटीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी दो अदर साइड्स को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो बात ये आ रही है कि हाइपोटेनस यहाँ पर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले बेस से का, क्योंकि बेस क्यों लेट करेंगे, क्योंकि हम लोग एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बेस मालूम होना चाहिए। तो बेस ऑफ ट्रायंगल हम लोग मान लिए राइट एंगल ट्रायंगल एक्स। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसको हम लोग बेस मान लिए एक्स। तो ये 7 कम है, यानी एक्स माइनस 7 ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो यहां पर एल्टीट्यूड हमारा एक्स माइनस 7 है। और बात यहां पर यह नहीं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर गई है या एटीट्यूड का स्क्वायर गई है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना दिया है? 13 दिया है। तो 13 का स्क्वायर कर दिए, बेस हमने एक्स स्क्वायर माना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7 हम लोग, क्योंकि 7 लेस देन है, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो यहां पर 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab 7 × 14x। बात समझ आ रही है? तो यहां पर ये आ रही है, तो x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 49 हो जाएगा, और माइनस 14x हमने पहले लिख लिया है, और 169 जो प्लस में इस तरफ है उसको हम बराबर उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 169 आ जाएगा। तो बात यहां पर आ रही है, जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो माइनस 120 आया। तो 26 स्क्वायर 20x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इन दोनों में देखने की ये दो से क्या कट रहा है, इवन नंबर है, तो 2 से हम लोग कॉमन कर लिए, तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 आया, और 2 इंटू में होने के कारण उधर गया तो क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने में क्या होता है? 0। इंटू में तो उधर आएगा तो डिवाइड में होता। तो अब x स्क्वायर जो माइनस 7x माइनस 60 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और यहां से हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, हम लोग इसको क्या करेंगे, दो नंबरों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो 60 का आप लोग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 60 और x का गुणा होगा तो 60x स्क्वायर आएगा, 2 के टर्म में 30 बार में, 2 के टर्म में 15, 3 5 बार में। तो 22 जा कितना होगा? 22 जा होगा 4, 4 3 जा 12, तो 12 5 जा 60x स्क्वायर। तो 12 और 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 12 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग बात समझ में आ रही होगी, माइनस 12x और 5x को हम लोग कर लिए, इन दोनों में x को कॉमन किए तो x माइनस 12, और इन दोनों में 5 प्लस 5 को किए तो x माइनस 12 बराबर 0, जिससे x माइनस 12 और x प्लस 5 हमारे दो फैक्टराइज निकले। तो हम बराबर x माइनस 12 बराबर 0 बाई x प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ जाएगा, और x प्लस 5 को हम लोग x माइनस 12 को जब उस तरफ भेजेंगे तो 0 बाई x प्लस माइनस 12 आएगा, और x हो जाएगा माइनस 5। तो इस तरीके से x का 12 आया और x का माइनस 5 आया। तो माइनस 5 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि भी किसी का एल्टीट्यूड या बेस निगेटिव नहीं हो सकता है, जब भी रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने नहीं लिखा इफ x बराबर 12, यदि जो एल्टीट्यूड है यानी बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यही दो बेसिस निकाल, दो साइड निकाल लेते हैं, बेस और एल्टीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेनस क्या हुआ था? दिया हुआ था। तो इस तरीके से 12 एंड 5 इज योर आंसर। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ये मैंने रफ किया है। थैंक यू।